मनु जी कहाँ जा रहे हैं हनीमून पे? कहता पीजो पीजो। इधर सारे हंस रहे हैं कि डोली पैदल जाएगी, क्योंकि ऐसे चलना चाहिए बस, ऐसे हल्का हल्का म्यूजिक। आ गए जी, वापस आ गए हैं लावा करा के। अब हम आ गए हैं होटल, और बबलू भी तैयार खड़ा है। आओ जी आओ, नेहा जी आ जाओ जी। हाँ भाई, ये आले भूख लग रही है, खाइए कुछ, लंच करिए। मैं है ना, बड़ी भूख लग रही है सुबह से। बस ब्रेकफास्ट जो किया हुआ है वो भी जल्दबाजी की, वो भी मजा नहीं आया ब्रेकफास्ट। मम्मी कह रही है क्या ना, लो मेरे फड़ा दो पर्स, पा रही थे। मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, मम्मी की ना तबीयत भी नहीं ठीक थी, बट क्या करो, ये भी काम बहुत इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे बन्नु जी का डांस स्टार्ट हो गया है। अरे आज फिर से डांस है, रहन दो, आज मत करो, आज रहन दो। अरे क्या करोगे आज डांस करके, आज रहने दो। आप ही शुरू करो नाचना फिर। मैं शुरू करूँ और क्या, मैं नाच चुका हूँ, आपने देखा ही नहीं। नहीं, शुरू आप करो। अरे कर दिया था मैंने, आपकी ड्यूटी है सबको स्टेज पे। मैंने कर दिया था, कोई आया ही नहीं। मैं कह रहा आज डांस नहीं करना, ऐसी उन्होंने करना है। हाँ हाँ, कोई तो जावे वक्त जद आख ओदी साडे मुखड़े ते आके खड़दी साडे कहे बिना सारे अल्फाज। एक कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, कोल्ड ड्रिंक बार बार आज ये दो तीन बार पी गई है ये। उधर डांस चल रहा है, आई ट्राई टू बी अवे। मैं ना भाग जाता हूँ जब डांस हो रहा होता है ना, ताकि मेरे को ना खींच ले कोई। यहाँ पे जस जी को खींच खींच के लाना पड़ता है स्टेज पे। जस जी इज वेरी वेरी शाय, ये नाचना नहीं जानते, लेकिन ये नचाना जानते हैं। तो जोक्स अपार्ट, इनको हम ले ही आए डांस फ्लोर पे। आखिर प्रादव व्याह है, नचना तो पे। चल रहा है, अब हमने सूप पीना स्टार्ट करा है, बड़े ही स्वाद से सूप पी लिया, लाडो टमेटो सूप। पापा ने स्नैक्स खा लिए, पापा स्नैक्स खा लिए पापा ने। मेरा भी सूप चल रहा है यहाँ पे, ये लोग दोनों खा रहे हैं फाइनली।
एंड सब लोग बैठे हुए हैं। जो तो म्यूजिक जो थोड़ा डाउन हुए थे, वीडियो बनाने का मौका बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे चलना चाहिए बस, ऐसे हल्का हल्का म्यूजिक और गल्ला गुल्ला कर दे रहो, हाँ डांस वांस ना करो, गल नहीं देती फिर गला बह जाता अगले दिन, है ना। बहुत अच्छा सूट था, मैं सच्ची बहुत बढ़िया, बहुत स्वाद है ना, मैं तो अभी पिया, अब फिर से ले लूंगा मैं, मेरे को बड़ा स्वाद लगा। हाँ जी आ जाओ ले लो, बड़ा स्वाद जी। हाँ जी आप आ जाओ, लेवा सूप आ जाओ, आ जाओ। रोटी पानी हो गई है जी, बड़ा मजा आया, बैठ के बातें कर रहे थे सब, रोटी पानी होगी, मीठा हलवा, हलवा भी खा लिया, हलवा भी खा लिया सबने, चलो बढ़िया। कॉफी भी है सी दूजी, कॉफी भी है सी दूजी वाली, दूध दारी पीती नहीं, मैं भी नहीं पी रही, मैं वो भी घर जाके पिया, कपड़े बदल गए, आराम से बैठ गए। हाँ नया कहती है हलवा ले जाते हैं कॉफी के साथ बाद में, लेकिन किस पे लेके जाइए, ए होटल तो है नहीं, साइड वाला होटल है, ए होंदा तो कहते कि कमरा नंबर 3 बचा दे होते हैं, पर राती टाइम कितने से हमी, आज टाइम है, आज तो फ्री है शामी, बबलू तू खा पी, खा पी लेता मैं तेन देखा कोई नहीं, पक्का मैं उ बैठा खा, मैं बड़े बदल के आ रहे हैं, क्योंकि ना हम अपने कपड़े भारी भारी जो है, आइए को देखो भारी भारी जो कपड़े हैं सबने उतार के भेज दिए, हमने मामा जी के हाथ दिल्ली भेज दिए, ताकि हम लोग खाना पड़े, हमने जाना आगे अमृतसर, इधर सारे हंस रहे हैं, इधर सारे हंस रहे हैं कि डोली पैदल जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि डोली की गाड़ी कहाँ है, गाड़ी की जरूरत नहीं, एक्चुअली बाजू वाले होटल में हम हैं, तो मतलब फुदक के कभी माइका कभी ससुराल, कहते हैं ना वो गोविंद की पिक्चर है किसी ना, लड़की फुदक के कभी माइके में कभी ससुराल में पास में रहेंगे, तो वो हाल है, तो कहते हैं कि वो सगन कैसे होगा, सिक्के विक्के फेंकने वाला ऊपर ऊपर करके, स्कूटी से भाभी के पास स्कूटी है तो वो ऊपर कर लेते हैं ना, ऊपर करके भैया वो सिक्के सुट लाने से ऊपर वाला अंदर नहीं आते, अंदर गड्डी ले आते, पर्ची कटी दी पार्किंग की, अच्छा जी हाँ पार्किंग है ना, बाहर रोड तो जाना कितनी देरी पता है नहीं चलेगा तो ऊपर वाले को बोलेगा भाई कहाँ जाना है, कहेंगे कुछ नहीं एक चक्कर लगाना है, अच्छा ऊपर वाले रोड भी खड़े जाते हैं, बाहर रोड भी आ जाए, हाँ सही बात, क्योंकि पूरा पर्ची करता है ना, एक पूरी पार्किंग है ना पूरी सरकारी, गड्डी करके थोड़ी घुमा के ले आओ, चाचा जी कह रहे गड्डी करके घुमा के ले आओ, डोली पैदल जाएगी, फाइनली तैयारी है जी, सब कुछ लाइन अप हो गया, आपसे जुड़ा शुक्र बड़ी मेहनत, अब डोली तो आपको पता है पड़ोस में जानी है, तो बस हम वॉक करके चले जाएंगे, एंड मनु जी इज गोइंग टू हनीमून डे आफ्टर टुमारो, कल मनु जी का कल इसकी यहाँ पे कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज वगैरह करके परसों ही हनीमून के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्या होने वाला है, पानी आ रही है मम्मी, वो क्या होता है, अभी चाहिए नी, अज दिन खुशियां दाया, नी अज दिन खुशियां दाया, अज दिन खुशियां दाया, नी अज दिन खुशियां दाया, रब ने अपनी मेहर बनाई, रब ने अपनी मेहर बनाई, सब ने रोकना है फिर पानी पानी पीन नहीं देना, फिर की पीन देना है, कहता पीजो पीजो अरे यार प्यास तो मेनू लगी सी, पानी क्यों तो दिता नहीं किसी ने, पानी दे दो हो गया काम, चलो जी डन, नी अज दिन खुशियां दाया, नी अज दिन खुशियां दाया,
आज दिन खुशियां दा वो खाएंगे तू फिर भी नहीं खाएगी। यहाँ पे लाडो रानी गिफ्ट दे रही है चाची को, थोड़ी शाई फील कर रही है, धीरे धीरे खुलेगी, धीरे धीरे अपना रैपो बनाएगी। चाची के हाथ में डालो नेहा, तो आप आना बेटा, आपको कितना समझ है, कोई नहीं उसको शौक है, इसी साथ में जिसमें मर्जी जो आराम से इस वाली में जा रहा आ गई। वेरी गुड, वाह जी वाह। Very nice. हमेशा ही बैठती है मन्ने की गोदी में। फाइनल विदाई हो रही है जी, चाची जा रही है। जुदाई ना जुदाई। सब जा रहे हैं, सब बाय बाय कर रहे हैं, हगीज हो रही हैं, टाटा बाय बाय। मनु तो यहीं से हनीमून पे जाएगा, हाँ। वहीं से फिर कनाडा चला जाएगा। मनु जी कहाँ जा रहे हैं हनीमून पे? नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एग्जैक्टली। हुआ को मिलने, क्योंकि ना अभी हम दिल्ली वापस आएंगे तो सबको मिलेंगे, सिवा ओ मामा जी ने भी नहीं मिलना। नेहा मामा जी ने भी नहीं मिल पाना, फिर हम वापस आ जब वापस आवांगे तो बाकी तो सारे मिल लांगे अभी। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली अमृतसर से वापस है दिल्ली, तो दिल्ली में अपने मिल लेना है बाकी चाची जी से, तो जिन जिन को नहीं मिल पाना उनसे जरा सी ऑफ ले लेना है फिर अंटिल नेक्स्ट टाइम। देखो आया अपने कजन्स को बाय कर रही है, बहुत एंजॉय किया आया ने, राबदा बड़ा शुक्र इस बार इतना अच्छा बॉन्ड बन गया है इसका। देखो कैसे मस्ती कर रही है, देखो कैसे जफियां पापा की सबसे, वो देखो ये देखो कितना प्यार, सब जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इमोशनल। इस बारी बहुत मजा किया है ना, बहुत मजा किया है इसने इस बारी, वेरी नाइस। देखो ये देखो कैब आ गई है सबकी, सब जा रहे हैं, वेरी इमोशनल, गुड बाय टू एवरीबॉडी, बाय जी बाय बाय, फाइनल बाय, विल सी यू अगेन, टेक केयर। चलो जी, वो गाड़ी एक गई, एक ये गई, तीसरी गाड़ी भी चलेगी, सब चलेंगे, आजा पुत्र आइया तो उदास होगी होगी, कितनी मस्ती करी है, कितनी मस्ती करी है पुत्री ने। पता नहीं था ये ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं। हाँ वो ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं बेटा, आपको क्या लग रहा था वो कहाँ जा रहे हैं? वो मार्शल मॉल जा रहे हैं। अरे नहीं, ओहो हम जा रहे थे यहाँ पे रांटे मॉल, तो देख के पुत्र आजा, बट इट वॉज सो मच फन आइया है ना, बहुत अच्छा लगा सारे, बहुत वधिया रह गया भाई, जिन्ना मैं सोच रहा थी कुछ नहीं करते, एंजॉय बड़ा होया वाकई, ये तो गल है, ना कर देते वैसे मैं तो बड़ा मना कर रहा थी, पर सारे मिल दे सब मिल दे। मैंने ना मैं जेन्युइनली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पापा को कह रहा था कि बड़ा सिंपल विवाह करने हैं, किसी को ज्यादा नहीं बुलाते, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन का मामला था, बड़ा कुछ कोऑर्डिनेशन का चक्कर तो क्लोज ही है। हाँ नहीं, मैं फिर भी कह रहा था कि कोऑर्डिनेशन बड़ा करना पड़ेगा, रूम्स और ट्रैवल एंड एवरीथिंग, पर सब कुछ बड़ा अच्छे से मैनेज हो गया, एंड ये सब मम्मी पापा दोनों की जो है ना एफर्ट, इन्होंने बड़ा किया है, और वही बात होती है भाई पेरेंट्स की जोड़ते हैं ना जब फैमिली, तो मेरे को वाकई में बड़ा अच्छा लगा इस बारी सबके साथ मिलके, सबके साथ बैठ के बातें करके एंजॉय करके, इट वॉज वेरी नाइस। तो जी भाइयों बहनों, होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी,
क्योंकि आपकी जो दिली तमन्ना थी मन्नू की शादी वो आज पूरी हो गई है। मन्नू इज वेरी हैप्पी एंड आई होप यू मस्ट बी वेरी हैप्पी टू। आपकी प्यार और आपकी दुआओं के सदका आज ये काम पूरा हो गया है, हमें बड़ी खुशी है एंड हमसे ज्यादा मेरे को पता है आपको भी खुशी है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इसी बात पे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मन्नू को बधाई भी दे देना, कमेंट सारे पढ़ता है वो। और अब तो हमारे घर में नई फैमिली मेंबर जो आई हैं उनका भी कभी इंटरव्यू इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे, बैठ के एक्सक्लूसिवली नेहा जी और हम सब उनसे बात करेंगे एंड इंट्रोड्यूस। आई नो बहुत ज्यादा यू नो दिस वर बिजी डेज, आप लोग समझते ही हो, बट वी विल डेफिनेटली हैव अ फॉर्मल आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे और मिलवाएंगे एंड इंट्रोड्यूस यू टू द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ गुलाटी फैमिली मंजू गुलाटी। तो आपको जल्दी बताएंगे उनके बारे में। तो या इन वेरी सून बिफोर वी लीव इंडिया, आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी एंड आगे के व्लॉग्स भी बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। अब हम रिलैक्स होके एक्चुअली घूमेंगे, अब नो शॉपिंग, चार दिन है बस, लेकिन पांचवे दिन वी आर गोइंग बैक। इट हैज बीन अ वेरी हेक्टिक ट्रिप बट अगेन इट वॉज ऑल वर्थ इट एट द एंड, बहुत अच्छा रह गया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, फॉर ऑल योर ब्लेसिंग, फॉर ऑल योर कॉमेंट्स। और मन्नू की शादी का जब आपको पता चलेगा और आप देखोगे और खुश होगे तो हमें माफ कर ही दोगे कि हमने मीटअप क्यों नहीं किया। अब आप जो है ये मतलब रियलाइज कर सकते हो कि कितने बिजी थे हम। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय।